चेन्नई में अब से थोड़ी देर के बाद खेला जाने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, फर्स्ट मैच इंडिया का उस वर्ल्ड कप में, और उसको लेकर तैयारियां कैसी चल रही है चीफ ऑफ स्टेडियम में वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप क्राउड ने अभी से आना शुरू कर दिया है यहाँ पर, और मैच देखने के लिए आए हुए और थोड़ी देर के बाद ही मुकाबला शुरू होगा। ऑल इम्पोर्टेंट मैच इन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें तो कल रोहित शर्मा ने कुछ इंडिकेशन दी, लेकिन शुभमन गिल तो फिट नहीं है, लेकिन उनकी जगह ईशान किशन को बंद कर सकते हैं, इंडियन स्पिनर्स को भी यहाँ पे खिला सकता है क्योंकि चेन्नई का जो विकेट है ट्रेडिशनली वो स्पिनर्स फ्रेंडली विकेट रहता है। अश्विन जडेजा, कुलदीप यादव तीनों यहाँ पे खेल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि क्राउड यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, थोड़ा सा चेन्नई अगर हम देखें तो थोड़ा सा मूवमेंट रहता है, गर्मी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रहती है और खिलाड़ियों को जो है ना पसीने से भी दो चार होना पड़ सकता है, कुछ उसी तरीके का जैसा मौसम चल रहा था मोहाली में। हालांकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है वहाँ पे थोड़ी सी ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन ये सदर्न पार्ट है इंडिया का तो यहाँ पर अभी ह्यूमिडिटी है, रेन के प्रेडिक्शन के चांसेस नहीं है, ह्यूमिडिटी वैसे बढ़ती है, थोड़ी सी बारिश भी रहती है, कल हमने देखा था हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी चेन्नई में, आज भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा चांस है, मतलब कंप्लीट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, थोड़ा सा चांस है। हालांकि गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, स्टेडियम की थोड़ी सी मैं तस्वीर दिखाता हूँ, मेरा चेक ऑफ एक्सपीरियंस मैच खेला जाएगा इंडिया का और इम्पोर्टेंट मैच, और इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिनर्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो डेडली कॉम्बिनेशन, स्पिनर के बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत थोड़ा रुक कर आएगा, बहुत थोड़ा टर्न होगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि अगर आप पहले बैटिंग करते तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है क्योंकि उस समय पिच इतना नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन 50-50 ओवर का गेम है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो रनिंग साइड पे जाएगा और फिर जो है स्ट्रगल करेंगे बल्लेबाज, इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि उनका मिडिल ऑर्डर कैसी परफॉर्मेंस देता है, उनके पास जैम्पा है, उनके पास मैक्सवेल है, दोनों बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं, बट अगेंस्ट इंडिया क्योंकि इंडिया के जो बैटर हैं वो उनके खिलाफ कैसी गेंदबाजी करते हैं ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ इंडिया को देखना है कि रोहित शर्मा को देखना है नंबर 5 के लिए किसको खिलाएंगे, श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर अश्विन को अच्छा खेलते हैं 8 विकेट मिल सकता है वैसा स्टेडियम तो फुल रहेगा। हालांकि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ऑनलाइन उनको इतने टिकट मिले नहीं, आजकल आपको पता है ऑनलाइन टिकट आते हैं और बहुत जल्दी टिकट बिक जाते हैं, ज़्यादा संभावना नहीं रहती कि ऑफलाइन आप टिकट खरीदें, जो लोग ऑफलाइन के बारे में सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, ऑनलाइन सारे टिकट बिक जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि जैम पैक्ड स्टेडियम जो रहने वाला है और ऑलमोस्ट मतलब इंडिया का पहला मैच है, ऑलमोस्ट जो होगा वो इंडिया के साइड होगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहला मैच मोमेंटम कैसे सेट करता है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंतजार है इस मैच का जो कि आपको जल्दी का शुरू